Welcome back to the new session. To all the dear students, yesterday we have done with the role of social science and mass communication. We have done the part historical background of it, and today we will be starting up with the Indian society and mass communication. What is the impact of it in the social science of mass communication? So Indian society and communication, here it is. In this, Indian society is often characterized as unity in diversity, and their villages are considered to be the most basic and functional unit of it. If we talk about in the ancient India, so different cultures developed in the parts of the subcontinent, and these were the unique and independent from each other, and these cultures derived strength and inspiration from each other. So it is being said in a very simple language, and I have also tried to give you this note in Hindi as well. As so here it means that जो इंडियन सोसाइटी है, जो भारतीय समाज है, वो अक्सर विविधता के में एकता के रूप में जाना जाता है, यानी इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और अगर हम बात करते हैं विलेजेस की, गांव की, तो इनकी सबसे अच्छी बुनियाद ये है कि वो मिलजुल के इकाई से काम करते हैं. जो उनका कार्मिक है, इकाई इकट्ठा जमाना जाता है. सो इट इज़ द वेरी मोस्ट बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इट. प्राचीन भारत में, उपमहाद्वीप में कुछ हिस्सों में विभिन्न संस्कृति विकसित हुई थी. ये एक दूसरे से अद्वितीय है और स्वतंत्र थे, और ये संस्कृतियों को एक दूसरे से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करती थी. सो दिस वॉज ऑल द कल्चर डेवलपमेंट इन द पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दे वर यूनिक and independent, and they used to get the strength and inspiration from each other. The saint and Sufis performed the task of the communication, the message they propagated. जो saints थे, जो Sufis थे, यानी संत और सूफी जो महात्मा थे, वो अपने द्वारा प्रचारित संदेश को संप्रेषित करने का कार्य करते थे. तो उदाहरण के तौर पे उन्होंने ये बताया है कि जो लर्निंग इन वेदास, कुरान एंड एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत, तो ये जो चीज़ें बनाई गई, जो एपिक्स इन्होंने फॉर्म अप किए, जैसे वेद, कुरान, शास्त्र, रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य, तो इन चीज़ों के द्वारा अपने टास्क को कम्युनिकेट करने को, अपने मैसेज को इन्होंने प्रोपोगेटेड किया. They reinterrupted these message in accordance with the realities prevailing in the society. In this process, they succeeded in communicating the norms and values in decent social life. At the community level, Brahmins enjoy the highest social status. They play an effective role as links between the common man of their own community and become from outside community. Village communities were mostly self-sufficient. Each community has a strong and extensive cultural links in other communities. Administrative contacts were minimal and were related only to revenue the collection. Hierarchical communication tends to flow from people of higher status to the people of lower status. In any communication, the relationship between the source and the receiver was dominant and subordinate. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो संदेशों के द्वारा जो हम मैसेज अपने अकॉर्डिंग में प्रिवेल करते हैं, प्राचीन व्यवस्था के द्वारा उनके अनुसार फिर से व्याख्या की गई है सोसाइटी में. तो इस प्रक्रिया में सभ्य सामाजिक जीवन में मानदंडों और मूल्यों का संचार करने में सफल रहे. सामुदायिक स्तर पर ब्राह्मणों सार्वजनिक सर्वोच्च सामाजिक स्थिति का आनंद लेते हैं.
वे अपने समुदाय में आम आदमी और बाहरी समुदाय के लोगों के बीच संबंध के रूप में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ग्राम समुदाय ज़्यादातर आत्मनिर्भर होते थे और प्रत्येक समुदाय के अन्य समुदायों में मजबूत और व्यापक संस्कृति को संबंध रहता था। तो प्रशासनिक और संपर्क नियतम थे, केवल वो संग्रह से संबंधित थे। तो इस तरीके से किस तरीके इन्होंने क्या किया, जो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप थी वो सोर्स और रिसीवर के बीच में इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि इट वॉज लाइक द डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेंस। किसी भी संचार में स्रोत और जो रिसीवर होता है उसके बीच में संबंध के प्रभुत्व और अधीनता होती है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन मास कम्युनिकेशन एज वी आर डूइंग विद द रोल ऑफ सोशल साइंस। सो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन मास कम्युनिकेशन। सो हेयर टू कन्वे योर मैसेज इफेक्टिवली यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ द सोसाइटी वर्क्स। जाहिर सी बात है, जब हमको अपना मैसेज देना है, इफ़ेक्टिव बनाना है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो सोसाइटी है वो कैसे काम करती है। हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज फंक्शंस, सारे तरीके की डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं हर सोसाइटी में और वो किस तरीके से फंक्शंस करती हैं, वो सब चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी है। हाउ एंड वाई पीपल रिएक्ट एंड बिहेव टू सर्टन थिंग्स डिफरेंट इन द सोसाइटी। थ्रू सोशियोलॉजी वी कैन गेट नो ऑल द आंसर्स एंड बिल्ड द बेटर बॉन्ड विद पीपल। सोशियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिसाइड्स टू हूम द मैसेज इज मेंट फॉर। What is the content that should be put out? So through the medium of message, one should be delivered that what would you feed back of the society. In other words, sociology attempts to answer who says what to whom, through which channel and with what effect. समाज शास्त्र यह समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन है, इसीलिए संचार समाज में गहरी जड़ें जमाता है। लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर संचार किया जाता है। लोगों को समझ, इनको समझाना, अपनी प्रक्रिया को बढ़ाना, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये एक मकसद है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस चलेगा। तो सोशियोलॉजी और कम्युनिकेशन ने डिसाइड किया टू हूम द मैसेज इज मेंट फॉर एंड इन व्हाट कंटेंट इट शुड बी गुड। तो यह लोगों के बीच में एक समाज एक दूसरे के साथ इस तरह के साथ बातचीत करने से बुनियाद ज्ञान निर्धारित करता है। समाज शास्त्र एक व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने में मदद करता है। जब आप समाज को कार्य देते हैं और संरचना का ज्ञान प्राप्त करने में सफल होते हैं, तो आप समाज में आदर्श या उपयुक्त संदेशों को ले जा सकते हैं। तो संचार की सामग्री को डिज़ाइन करने से लेकर लोगों से संवाद करने तक संचार के पोस्ट प्रदर्शन को भी समाज शास्त्र का विषय कहा गया है। सो एज इट इज़ बींग सेड दैट जो सोशियोलॉजी है एक स्टडी है सोसाइटी की, ह्यूमन बिहेवियर की, जहाँ पे कम्युनिकेशन इज रूटेड इन द डीप ऑफ सोसाइटी। जो कम्युनिकेशन है, संचार है, वो समाज में गहराई जड़ों में जमाया गया है। मास कम्युनिकेशन इज डन टू इम्पैक्ट पीपल, यानी लोगों को प्रभावित करने के लिए एक बड़े पैमाने में इसको बनाया गया है। तो थ्री मेन मोटिव्स जो एक मास कम्युनिकेशंस के होते हैं इज़ टू रीड, टू अंडरस्टैंड एंड टू रिएक्ट। जब तक आपने जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि एक सेंडर से रिसीवर तक बात कैसे पहुंचती है और उसका वो फीडबैक क्या देता है, ठीक इसी तरह थ्री मेन मोटिव्स हैं मास कम्युनिकेशन के, रीड, अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट। इट सेट्स द बेसिक नॉलेज
from people to interact in society with each other and with situations. Sociology helps perceive the psychology of the people, not at the individual also, but successful in gaining the knowledge society functions and structure. So from designing the content of the communication to communicate to the people till the post scenario of the communication also said to be the subject matter of society. जैसे कि मैंने आपको बताया कि संचार की सामग्री को डिज़ाइन करने से लेकर लोगों से संवाद करने तक संचार के पोस्ट प्रदर्शन को भी समाज शास्त्र का विषय कहा गया है. मार्शल मैकल्यून स्टेट्स दैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट मीडियम टू इम्पार्ट द मैसेज टू द सोसाइटी इज वेरी एसेंशियल. Maclean recommended that medium itself, not the substance it conveys, ought to be the concentration of society. He said that medium influences the general public in which it assumes the part, not just by the substance conveyed over the medium, yet in the additions to the attribute of medium itself. Yani jo Marshall Maclean hai, उन्होंने कहा कि समाज को संदेश देने के लिए एक सही माध्यम चुनने का महत्व बहुत आवश्यक है. मैकल्यून की सलाह के अनुसार एक माध्यम वही है, वही पदार्थ नहीं है जिसे वह अध्ययन की एकाग्रता के रूप में बताए. उन्होंने ये भी कहा है कि माध्यम आम जनता को प्रभावित करता है जिसमें वह केवल माध्यम की विशेषताओं के अलावा माध्यम से अवगत कराए गए पदार्थों को द्वारा ना केवल एक हिस्सा माना गया है. इट इज़ ऑल्सो द मीडियम स्टेटस इटसेल्फ. सो फ्रॉम स्कूल टू होम, फ्रॉम स्कूल टू वर्कशॉप, वी यूज़ डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेशन. मतलब घर से स्कूल तक और स्कूल से वर्क प्लेस तक हम तरह तरह के कम्युनिकेशन, तरह तरह के संचार को यूज़ करते. And the other because each individual's place carries different social status. क्योंकि हर individual, हर एक अकेला व्यक्ति play करता है अपने different social status को. उसके mindset में क्या है, उसकी social skills क्या है, वो हर चीज़ को अलग अलग देखता है. And hence here, the sociology comes in handy when you are at home to talk to your family members. According to that, where you are at work, and you may have more careful following your work and social etiquette so that no don't media sociologies are complementary to each other. तो जब आप सोशियोलॉजी के अंदर में आपको समझ होती है तो आप अपने घर पे भी अपने फैमिली मेम्बर्स से उनके अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अनुसार आप उनसे बात करते हो, उनके काम को करते हो. एंड व्हेन यू आर वर्किंग यू आर मोर केयरफुल टू देम कि किस तरीके से हमें करना है एंड हाउ यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंग टू देम. उनके अनुसार आपको किस तरीके से चलना है, आपके सोशल एटिकेट्स क्या है, आपके सोशल मैनर्स क्या है, सो दैट यू डोंट मीडिया एंड सोशियोलॉजीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. And that is why in sociology, the media, they both are complementary to each other. So, next, the topic which we are going to discuss is the media and sociology. Yani sociology aur media ke beech mein aisa kya connection hai, aisa kya contribution hai, jahan pe in dono ka bahut ek importance bataya gaya hai. So, jaise ki maine aapko first lecture mein isko explain kiya tha, कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल साइंस एंड सोसाइटी. तो इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला टर्म जिसके नीचे इतने सारे सेवरल ब्रांचेस हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके मिलने से एक सोशियोलॉजी और मीडिया के बीच का रिलेशन पता चलता है. सो द फर्स्ट वन वॉज पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट इज़ एन इम्पेरेटिव फॉर द मीडिया पर्सन टू नो वंस कंट्री एंड स्टेट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. जो मीडिया पर्सन मस्ट बी फैमिलियर विद द प्रोटोकॉल्स ऑफ द पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस इन ऑर्डर टू राइट अबाउट इट. जो मीडिया पर्सन है वो
उसको पता होता है कि एक कंट्रीज़ में या दूसरे स्टेट्स में आखिर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या बनावट है, कौन से स्टेट में किसकी पार्टी है, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है. एवरी मीडिया पर्सन नो एंड दैट इज़ वाई दे वर्क अकॉर्डिंग टू इट, और उसी के द्वारा वो काम करते. जो मीडिया पर्सन है मस्ट बी फैमिलियर, उसको पता होना चाहिए कि उसके प्रोटोकॉल्स ऑफ पॉलिटिक्स और उसके कॉन्स्टिट्यूशंस इन ऑर्डर टू राइट किस तरीके से उनको समझना है और लिखना है. सो मीडिया एक्ट्स एज अ वॉच डॉग, हमेशा एक चौकन्ना जो एक होना चाहिए एक मीडिया पर्सन को, हमेशा इसी तरीके से अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ कब और कहाँ कैसे हो रही है. दैट इज़ वाई एंड ऑन दैट मैटर ओनली द सेम कैन बी रिपोर्टेड. अगर हम चौकन्ने नहीं रहेंगे बींग एज अ मीडिया पर्सन, तो वी कैन नॉट बी रिपोर्ट ऑन इट. हम एक ब्रेकिंग एटीट्यूड्स रिपोर्टिंग नहीं कर सकते. सो हेयर वी हैव टू बी अलर्ट एवरी टाइम. इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ डन बाय द मीडिया एंड सोसाइटी एंड ऑल्सो टू एम्पावर द पीपल वाइल क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज. सो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस क्या कहता है मीडिया और सोशियोलॉजी से रिलेटेड. देन वी मूव ऑन टू द एस्ट्रोलॉजी. नाउ एवरीवन इज कीन टू नो अबाउट देयर फ्यूचर एंड वांट टू लिव इन अ बेटर लाइफ, सो दैट कैटर्स नीड्स द पीपल इन सोसाइटी. स्पेशल प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्टेड ऑन डिफरेंट चैनल्स. हर व्यक्ति को ये होता है कि अपने फ्यूचर के बारे में जानना है और अपने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जीना है. सो पीपल ऑफ द सोसाइटी किस तरीके से स्पेशल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराते हैं और फिर उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं डिफरेंट चैनल्स पे. सो वी हैव डेडिकेटेड द कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर्स, कॉलम ऑफ पेजेस इन द मैगजीन फॉर एस्ट्रोलॉजी. कहने का मतलब ये है कि न्यूज़पेपर हो या कोई मैगजीन हो, हर प्रिंट मीडिया में एक सेशन होता है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कवरेज की जाती है. उनका एक खुद का एक कॉलम है, एक पेज है. सो द इंटरनेट ऑल्सो हैव द वेरियस एप्स फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड डेफिनेटली इंटरनेट ने इतना आज के तारीख में इतना ज़्यादा हाइक ले लिया है कि हर चीज़ के एप्स डेवलप्स हो गए हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द टुडेज यूथ, और आज के जब हम यूथ के बारे में बात करते हैं, तो दे एक्सट्रीमली टेक्स्ट टू नो द फ्यूचर थ्रू द टेक्नोलॉजी. और अपने फ्यूचर को जानने के लिए, अपने एक एस्ट्रोलॉजी यानी अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए, कहीं ना कहीं से आपको ढूंढते हैं या वेबसाइट्स पे जा करके अपने आप ही प्रश्नों को करते हैं और उसका जवाब पा लेते हैं. सो वी हैव डिफरेंट वेबसाइट्स फॉर एस्ट्रोलॉजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ देयर सॉल्यूशन. देन वी मूव ऑन टू द इकोनॉमिक्स. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स का क्या रोल है सोशियोलॉजी में और मीडिया से. इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शंस एंड कंजप्शंस रिलेटेड इशूज एंड इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ एनी न्यूज़पेपर. कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स है उसका भी एक प्रोडक्शन का, एक कंजम्पशन का इशू प्रॉब्लम्स है. और हर सेक्शन न्यूज़पेपर के में एक कॉलम होता है जहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ बुलेटिन में, मैगजीन्स में, हर जगह एक पार्ट दिया हुआ है. तो कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स मीडिया से रिलेटेड है. हर चीज़ की जानकारी हर उसमें मिलेगी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ बुलेटिन ही क्यों ना हो, या फिर मैगजीन क्यों ना हो, या फिर कोई ऐप ही क्यों ना हो. सो दिस स्टडीज़ वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज. जब तक हम इकोनॉमिक्स नहीं जानेंगे तो हम किसी के प्रोडक्ट के बारे में उसके गुड्स और सर्विसेज को नहीं समझ पाएंगे. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू टू डू द इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड बी हैविंग एज अ सेल्फ अवेयरनेस. हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हमारे बीच में कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विसेज में क्या बढ़ोतरी हुई है, कहाँ गिरावट हुई है, हर चीज़ को जानने के लिए बहुत. जैसे कि हम इकोनॉमिक्स इसलिए ज़रूरी है एक सोशियोलॉजी से रिलेटेड और एक मीडिया से रिलेटेड,
जिससे कि सोसाइटी में ये पता चलता है कि कहाँ गिरावट है, चाहे वो हम पेट्रोल ले लें, चाहे हम डीजल ले लें, चाहे गोल्ड के बारे में बात कर लें या सिल्वर के बारे में बात कर लें। हर चीज़ का अपना रेट बढ़ता और गिरता रहता है, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है। तो हर चीज़ के बारे में पता कैसे चलता है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स। सो इट इज़ द सेशन दैट होल्ड द इम्पोर्टेंस इज बिजनेस। तो अपना एक खुद का एक डेडिकेशन नॉलेज होनी चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ डेमोग्राफी। अंडर द सेशन वी स्टडी द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एरिया एंड वाई इट इज़ बिकॉज इट्स ईजी टू रिपोर्ट एनी अनयूजुअल इवेंट इन दैट एरिया। और इसलिए क्योंकि डेमोग्राफी जो है हमको स्टडी जब हम करते हैं उसके बारे में, तो हर स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट एरिया जगह जगह के बारे में हम उसको डिटेल में समझ पाते हैं और उसके बारे में हम रिपोर्ट कर पाते हैं। वट एवर द अनयूजुअल इवेंट्स आर कैरिंग, कौन से एरिया में कौन सी चीज़ हो रही है, ये डेमोग्राफी से पता चलता है। नाउ माइथोलॉजी या फ्लॉलॉजी। नाउ डेज पीपल आर इंक्वेस्टेड अबाउट द माइथोलॉजी एस्पेक्ट्स एंड दे हैव इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग डायमेंशंस ऑन सोशल फ्रंट एंड ऑल द सेंटिमेंट्स आर इनकेस्ड बाय द मीडिया प्रोड्यूसर्स टू जनरेट रेवेन्यू। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें पता करनी है, हम अगर रिलीजियस हैं, भगवान के प्रति हमारे बहुत बड़ी आस्था है, तो हम कहीं ना कहीं से अपने माइथोलॉजी एस्पेक्ट्स के द्वारा हम उसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल महादेव, महाभारत, राइट, रामायण, लॉर्ड गणेशा। तो हर तरीके की एक छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनती है, सीरियल्स डेवलप होते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जागरूक पैदा हो कि कहीं ना कहीं आपका रिलीजन कुछ मैटर करता है और आप इसके लिए इसकी नॉलेज कहाँ से पाएंगे वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रामायण महाभारत कब से चलती आ रही है, जिससे कि हर जनरेशन का इंसान देखे और उसे समझे। सो दिस वी टॉक अबाउट द माइथोलॉजी एंड रिलीजन, और इसका भी कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी और मीडिया से रिलेशन है। सोसाइटी में आया तभी तो मीडिया तक गया और तभी टेलीकास्ट होती हैं चीज़ें। तो ठीक इसी तरीके से इसको समझना। देन वी मूव ऑन टू द एजुकेशन। अब एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है आपकी सोसाइटी में और फिर मीडिया से? सो एजुकेशन इज़ अ सच टॉपिक दैट हैज़ कवर्ड एक्सटेंसिवली बाय द मीडिया ओनर्स फॉर सोसाइटी इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कॉन्क्रीट चेंजेस एंड फॉर द इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। एग्जाम्पल कैरियर काउंसलिंग चल रहे हैं थ्रू न्यूज़पेपर चैनल्स, सम चैनल्स गिव कट ऑफ टू द डिफरेंट कॉलेज एट द टाइम ऑफ एडमिशंस। तो ये एक स्कीम है कि एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, सोसाइटी में कैसे लोगों के बीच में जागरूकता हो कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ है, कहीं डिस्काउंट है, चल रहा है, आपको कट ऑफ दे दिया और आपकी फ़ीस को थोड़ी सी कम कर दी गई, तो आप इस माध्यम से वहाँ जाकर के एडमिशन ले पाएंगे, एक अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। एंड दिस इज बीइंग डन। सो देन द नेक्स्ट थिंग इज फैशन स्टडीज। फैशन स्टडीज फ्लोज अबाउट द फिल्म टू टीवी इंडस्ट्री। इसमें हर चीज़ फैशन से रिलेटेड होती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को नोटिस करते हो। फैशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, स्पेशली यूथ जो जनरेशन है, उनके अंदर क्या होता है, यू पीपल ऑब्जर्व द फैशन कि ये अब एक ट्रेंड चल गया है और अब हम इस चीज़ को फॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम था जब गजनी मूवी आई थी तो उसकी हेयर स्टाइल, रामलीला की ड्रेसिंग स्टाइल, ह्यूमन टी शर्ट्स। तो जो भी एक ट्रेंड में आ जाता है, लाइक सलमान खान, तो सलमान खान ऑलवेज ट्राई टू वियर द टी शर्ट्स ऑफ बींग ह्यूमन, राइट। तो इस तरीके से जब चीज़ों को लॉन्च किया जाता है और उसको एक स्टाइल में, ट्रेंड में बना दिया जाता है, तो इट्स ऑल व्हाट, इट्स ऑल टू फॉलो द फैशन स्टडीज, और जो कि पब्लिश की जाती है आपके मैगजीन्स के थ्रू, आपके टीवी माध्यम से, आपके जितने भी हैं डायमेंशंस, न्यू डायमेंशंस हैज़ बीन एडेड टू द वेयर ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा। अमेज़ॉन में ले लो, फ्लिपकार्ट में ले लो, एनीवेयर, मिंत्रा में ले लो,
सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक ट्रेंड बना दिया जाता है कि फैशन को किस तरीके से फॉलो कर. देन साइकोलॉजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस इन टर्म ऑफ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक. साइकोलॉजी में हमें ये देखना है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको कितना लाइक्स, कितना ज़्यादा उस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं और कितना डिसलाइक कर रहे हैं. एंड देयर परचेजिंग पावर मस्ट बी कंसिडर्ड टू ऑफर देम चॉइसेस. एंथ्रोपोलॉजी, इट इज़ अ साइंस विच स्टडी द सिविलाइजेशन. जो आपकी सिविलाइजेशन के बारे में, जो आपकी स्टडी ऑफ पीपल, सोसाइटी और कल्चर के बारे में जो बताता है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ स्टाइल टू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिविलाइजेशन. इट हेल्प्स द सोसाइटी टू स्टडी द पैटर्न ऑफ लाइफ, कि अपनी सोसाइटी में अपनी लाइफ के बारे में किस तरीके से हमें पढ़ना है, हमें किस तरीके से देखना है, इस चीज़ पे फोकस करता है एंथ्रोपोलॉजी. सो इट इज़ रिलेटेड टू द सिविलाइजेशन. देन न्यूमरोलॉजी, इट इज़ द नंबर बेस्ड साइंस विच रिवील्स द प्रेडिक्शंस एंड हाउ एवर कैन नॉट फोकस द फ्यूचर ऑफ एंथ्रो एस्ट्रोलॉजी. So here the reason society is being interested in the field and credit goes to the mass media, ki jo habit hai following a celebrities mainly from the Hollywood or the cricket industries. So we have seen send the celebrities modifying their spelling as per the number signs. Har cheez ke ek columns bana diye jate hain newspaper mein, magazine mein, ki regular programs, TV, news channels, radios mein kis tarike se aayenge numerology, numbers se related. So numerology is a kind of number issue related, or you could say a time of birth, date where you have born, name of the spelling, how many letters are there. So jitne bhi numbers counted hote hain usse related. Then culture, media makes us aware about the different culture issue. In fact, tools which help the society to improve the perceived social heritage of the society. जो इम्पॉर्टेंस है वो कवर करता है आपके कल्चरल इवेंट्स को, कि कल्चरल इवेंट्स कैसे होते हैं, जो भी आपके फेस्टिवल्स हो गए, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो रिलीजियस हो. ऑल ट्रेडिशंस, राइट्स एंड रिचुअल्स, लोकल आर्टिस्ट, एग्जाम्पल आर्टिकल्स ऑन द फेस्टिवल्स लाइक नवरात्रि, तो करवा चौथ, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग में आ जाती हैं जो एक कल्चर बन जाती है और उस चीज़ को फिर वो फॉलो किया जाता है. देन वी मूव ऑन टू द हेल्थ, द लास्ट टॉपिक, और यू कुड से द लास्ट अम्ब्रेला, द व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, जो एक अम्ब्रेला था आपके सोशल साइंस का, उसके अंडर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कवर करके आपके सोशल साइंस को इम्पोर्टेंस देती है, जो एक नेचर और उसका स्कोप बताती है. सो द लास्ट वन इज़ हेल्थ. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी टू बी अवेयर ऑफ डिजीज़ेस. हर तरीके के बारे में जागरूक होना चाहिए. जो भी डिजीज़ेस फैल रही हैं, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, सिम्टम्स एंड रेमेडियल्स इशूज़ ऑलवेज मेक द पीपल अवेयर. और जब हम सोसाइटी में हैं और इस चीज़ की जागरूकता अगर हमें बहुत ज़्यादा जाननी है, तो नेचुरल है हम कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से इस चीज़ को जानेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया में, पेपर में निकला हो कि ये ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है, या फिर वो रेडियो में आपको बताया जा रहा हो, या फिर टेलीकास्ट किया जा रहा हो, कि किसी भी ऐड के थ्रू आपको अवेयरनेस दी जा रही है. मोस्ट प्रोबेबली द एडवर्टीजमेंट्स आर बीइंग कवर्ड, जो आपको डिजीज़ के बारे में जागरूक करते हैं, लाइक आइडा अवेयरनेस, पल्स पोलियो अवेयरनेस गिवन बाय अमिताभ बच्चन. एक ऐड आया करता था जब पल्स पोलियो के बारे में अमिताभ बच्चन का ऐड होता था, दो बूंद जिंदगी के. देन ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है. फ्री डेंटल चेकअप्स हो रहे हैं जगह जगह. मेल न्यूट्रिशन इशूज आर बींग कवर्ड बाय सो मैनी सेलिब्रिटीज़. And today, if we talk about तो जो कोविड का वायरस के इश्यूज़ हैं उसके बारे में भी कहीं ना कहीं इतना मेनली हाईलाइटेड किया जा रहा है थ्रू वेरियस एड्स, लाइक वी शुड वॉश आवर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 to 40 seconds, अप्लाई मास्क ऑन योर फेस, कीप अ सोशल डिस्टेंसिंग. तो ये सारे जागरूक
जागरूकता आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ के माध्यम से ही मिल रही है। आपने जब आपको पता चला कि कोई ऐसी एक हेल्थ इशू बीमारी है तो आपने उसको प्रिंट में पढ़ा, टीवी में सुना, एड्स देखे, तभी आप जागरूक हुए और आपने उस चीज़ को फॉलो किया, प्रिकॉशंस लिए। सो दीज आर ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ मीडिया एंड सोशियोलॉजी, कि किस तरीके से जो मीडिया है और सोशियोलॉजी है, क्या लिंक है इनका, और एक अम्ब्रेला टर्म्स पे इन चीज़ की क्या वैल्यू है। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर टू, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप कितना जान पाए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इट, सो दैट यू पीपल कैन नॉट फेस एनी सर्टन प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम आई विल बी अपलोडिंग विद द न्यू टॉपिक, वी विल बी कवरिंग द न्यू टॉपिक। Till then, just go through this video and understand concept. Okay, thank you so much.